नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में चूड़ी मजदूर संघ के नेता रामदास मानव पहुंचे मजदूरों की समस्याओं को लेकर एएलसी ऑफिस। उनका कहना है कि फिरोजाबाद के कारखानेदार चोर हैं, नहीं मानते हैं शासन के आदेश को। ऑफिस के सामने रामदास मानव ने कर दी आमरण अनशन की शुरुआत। देखिए खास रिपोर्ट। उनके साथ भारी संख्या में चूड़ी मजदूर एकत्रित हुए। उनका कहना है जब तक मजदूरों की समस्या का हल नहीं होगा तब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा, तथा हम तीन लोग आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद के चोर कारखानेदार शासन प्रशासन का भी आदेश नहीं मानते हैं तथा उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। मानता बढ़िया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास मानव है। रामदास मानव जी ने यहाँ पर किस चीज को लेकर धरना दिया यार? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए 6 मई 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश का फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं उन्होंने पालन नहीं किया। इसके बाद मजदूरों को हड़ताल करनी पड़ी। 21 जुलाई 2021 को जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने 10 बिंदुओं पर एक आदेश निर्गत किया। उस आदेश का भी फिरोजाबाद के चूड़ी के जो कारखानेदार हैं इन्होंने आज तक पालन नहीं किया है। इसके बाद मजबूरी में हमने कहा कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमें शासन में अपनी बात कहनी चाहिए। तो 19 नवंबर को साइकिल से चलकर हम लोग लखनऊ तक की साइकिल यात्रा की। कानपुर में एक दिन का धरना दिया गया। माननीय श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी हमने जाके अपनी समस्याएं अवगत कराई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरन हमने 4 दिसंबर को यहाँ पर दूसरा नोटिस दिया गया। उस नोटिस के बाद हमने आंदोलन की तैयारी की। 7 तारीख को एएलसी महोदय ने कहा कि हम वार्ता करने के बाद हम शासन में आपकी चिट्ठी भेज देते हैं, परमिशन मिल जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे और आप अपना धरना 16 तारीख तक के लिए स्थगित कर दें। हमने 16 तारीख तक के लिए धरना आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया। 15 तारीख का जो आपदा का कार्यक्रम था वो भी स्थगित कर दिया गया। इस दौरान आज हमने उसी क्रम में दोबारा नोटिस देने के बाद 10 तारीख को हमने नोटिस दिया। उस नोटिस के क्रम में आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ 3 साथी हमारे आमरण अनशन पर हैं। मैं रामदास मानव, मेरे साथ हाकिम सिंह नेमोरिया और विनोद कुमार प्रजापति। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि फिरोजाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का फिरोजाबाद के चोर उद्योगपति पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए शर्म की बात है कि हम डीएम के आदेश का पालन कराने के लिए हमको ये धरना प्रदर्शन और अनशन करना पड़ा है। ऐसे कौन से आदेश हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है? उनकी मजदूरी का भुगतान है। ये बिंदु हैं, लाइए भाई कहाँ हैं दिखाओ। इस आदेश में ये लिखा गया है कि कारखाने 6/5/2021 जो शासनादेश है उसका सत पालन करेंगे, लेकिन कोई पालन नहीं हो रहा है। जनपद में 6/5/2021 के बाद से बंद पड़े सभी कारखानों को अविलंब चालू कराया जाएगा। इसके अलावा खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525।
9412265608।